I'm Dr. M.S. Gumbar, Senior Consultant, Indraprastha Apollo Hospital in the Department of Pulmonary, Critical Care, Sleep Medicine and Lung Transplant. The question is, what is EBUS, Endobronchial Ultrasound? It is done just like a bronchoscope. Bronchoscope ki tarah hi andar jana hota, but at the tip there is an ultrasound probe. Thodi si iski shaft bhi thodi si chaudi hoti hai. ब्रोंकोस्कोप की ट्यूब की वजह के कंपैरिजन में, लेकिन आगे एक अल्ट्रासाउंड प्रोब होता है. नाउ व्हेन वी रीच द राइट प्लेस, तो हम अल्ट्रासाउंड प्रोब को ऑन करके, तो हम उसको रोटेट करके, हम डिफरेंट एंगल्स जनरेट करके, तो हम ग्लैंड्स जो होते हैं, हम सारे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ब्लड वेसल्स देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं. तो हम हमारा टारगेट होता है जो लिम्फ नोड्स होते हैं मीडियस्टाइनम में, लिम्फ नोड्स में से सैंपल लेना. अब सैंपल जो लिया जाता है, बड़े अंडर विजन, बड़ा क्लियरली हम ग्लैंड को आइसोलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं, और उसमें नीडल इंजेक्ट करते हैं, और अंडर विजन होता है, सब कुछ अंडर विजन होता है. अब नीडल भी देख रहे हैं, नीडल कहाँ तक पहुंची है, नीडल ब्लड वेसल के नज़दीक तो नहीं है, कहीं ब्लड वेसल तो नहीं पंक्चर करे, वो बड़ा क्लियरली दिख रहा होता है. फिर हम उसमें उसको आगे पीछे करके, ऊपर नीचे करके, तो हम अच्छा सैंपल कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं. दिस इज लाइक ए फाइन नीडल एस्पिरेशन, फाइन नीडल एस्पिरेशन विच इज एन FNA. फिर उसको उसकी स्लाइड्स बनाई जाती हैं उस मटेरियल की. कई बार हम 5, 10, 15, 20, 25 स्लाइड्स भी बना लेते हैं. एक, दो या तीन बार हमें सैंपल लेना पड़ता है, बार बार इससे ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं होती. लिमिटेशन ये है कि हमें ट्रू कट बायोप्सी नहीं मिलती. हमें सैंपल तो अच्छा मिल जाता है, नीडल एस्पिरेशन सैंपल तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन जिसको बायोप्सी कहते हैं वो हमें नहीं मिल पाती इसमें. इसके अलावा रेडियल प्रोब यूज करके हम डिस्टल जो एरियाज हैं लंग्स के, वहाँ भी जा सकते हैं, ट्यूमर पे भी पहुँच सकते हैं, और जो डिस्टल लिम्फ नोड्स हैं वहाँ भी हम सैंपलिंग कर सकते हैं. सो EBUS में उतना ही टाइम लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि अंडर एनेस्थीजिया देना पड़ता है, तो हल्का सा लाइट माइल्ड एनेस्थीजिया देना पड़ता है. और मेरे ख्याल में नॉर्मली हमें 15 मिनट से ऊपर नहीं लगते. जो प्रोसीजर है 10-15 मिनट में हो जाता है, उससे पहले 10-15 मिनट एनेस्थीजिया में लगते हैं. सो टोटल आधे घंटे में द होल थिंग इज ओवर एंड द पेशेंट इज यू नो अलाउड टू वेक अप. जो थोड़ा सा सेडेशन दिया जाता है वो हम विड्रॉ कर लेते हैं, देन द पेशेंट वेक्स अप. एंड यूजली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती. कई बार हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है जो कि विद इन फ्यू मिनट्स अंडर कंट्रोल आ जाती है. कई बार हमें थोड़ा सा कोल्ड सलाइन या एड्रेनलिन मिक्स करके हम देते हैं, उसे कंट्रोल में आ जाती है. दैट इज़ यूजली नॉट एन इशू. सो पेशेंट यूजली आधे पौने घंटे घंटे के अंदर अपने घर भी चला जाता है. जो सैंपल लिया जाता है उसको हम हिस्टोपैथोलॉजी में भेजते हैं, ताकि हमें पता लग सके कि उसमें टीबी है, मिलिग्नेंसी है, या कोई और डिजीज़ है जो हम जो ग्लैंड्स में पहुंची हुई है, और हम ग्लैंड्स को सैंपल करके उसको डिजीज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. थैंक यू वेरी मच.